नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है उपचुनाव की जंग, शक्ति प्रदर्शन। जी हां, प्रत्याशियों के नामांकन से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी ने विजयपुर में रोड शो कर मंत्री रामनिवास रावत का पर्चा भरवाया। इस रोड शो में सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो बुधनी में कांग्रेस ने राजकुमार पटेल के नामांकन के दौरान अपनी एकता दिखाई और जीतू पटवारी से लेकर नेता प्रतिपक्ष और सांसद विवेक तन्खा एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। लेकिन सवाल यह है कि नामांकन में पहले इस शक्ति प्रदर्शन के क्या मायने हैं? क्या अपनी ताकत दिखाकर एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? सवाल तो ये भी, इस बार बुधनी और विजयपुर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें विजयपुर की है। गुरुवार को विजयपुर सीट पर नामांकन के दौरान बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। मंत्री रामनिवास रावत के नामांकन भरने से पहले बीजेपी ने रोड शो किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। जाहिर है कि बीजेपी के लिए विजयपुर सीट काफी अहम है। 6 बार के विधायक रामनिवास रावत पहले इस सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। लिहाजा बीजेपी ने उनकी मदद के लिए इस सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि इस बार ये सीट बीजेपी की झोली में आएगी और रामनिवास रावत को जनता भारी बहुमत से जिताएगी। एक एक अपने वन ग्राम को राजस्व ग्राम बना के छोड़ेंगे, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसीलिए इनको वन मंत्री बनाया। ताली बजाओ तो खुल के बजाओ, आनंद के साथ बजाओ। ये हमारे, आपने कहा कि वनों की बहुत परेशानी है, तो वन की परेशानी के लिए वन मंत्री हल करेगा। आपका भाई वन मंत्री बना है और मुख्यमंत्री खड़ा है, और इसके बाद बचेगा क्या? जो आप कहोगे वो होगा। आज नॉमिनेशन भरने के लिए हमारे रामनिवास रावत जी को इतना जन समुदाय आज उन्हें समर्थन देने के लिए उपस्थित हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मेरे बहनों और भाइयों, ये जो कांग्रेसी कोई कभी आए आपके पास जरा पूछना, 2003 से पहले तुम्हारी सरकार थी, आपने सिर्फ विजयपुर के लिए क्या किया था? इधर बीजेपी ने विजयपुर में माहौल बनाया, तो बुधनी में कांग्रेस के दिग्गजों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। राजकुमार पटेल के नामांकन के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सांसद विवेक तन्खा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जिस तरह बीजेपी को विजयपुर में इस बार जीत की उम्मीद है, कुछ वैसी ही आस कांग्रेस बुधनी में लगाए बैठी है। और इसी का नतीजा है कि बुधनी में कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन कर अपने कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने की कोशिश की और जीत का दावा किया। बीजेपी ने जो व्यक्ति को नॉमिनेट किया है, मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, मगर वो बुधनी के नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर अंतर विरोध है। तो राजकुमार पटेल जी बुधनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, शिवराज जी का परिवार वहाँ से एक प्रकार से एमएलएशिप से हट चुका है, नए व्यक्ति का वहाँ से नामांकन हुआ है जो कि बुधनी के नहीं है। तो मेरे को लगता है इस वक्त राजकुमार जी का बहुत अच्छा चांस है वहाँ से जीतने का। प्रदेश में माहौल फुल ऑन चुनावी हो गया है। भले ही ये उपचुनाव है, लेकिन जिस तरह से नामांकन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने माहौल बनाया, उसने आम चुनाव की याद दिला दी। खैर, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए अभी इस तरह की तस्वीरें एक बार और देखने को मिलेंगी। लेकिन यह सवाल ये है कि जनता को किसका शक्ति प्रदर्शन रास आएगा और क्या इस बार इन दोनों सीटों पर समीकरण बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादी टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
विजयपुर में देखा आपने नामांकन रैली में सीएम भी थे और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दौरान एक और खुलासा हो गया, शायद आपको जानकारी ना हो, रामनिवास रावत ने कहा है कि वो स्टूडेंट लाइफ से ही बीजेपी से जुड़े थे और उनकी घर वापसी हुई है, ना किसी डील के तहत ना किसी वादे के तहत, वो सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए आए। और बी डी शर्मा को सुनाइए, आपने कह रहे 2003 से पहले कोई विकास नहीं हुआ वहाँ पर, जो कुछ हुआ 2003 के बाद हुआ है। कि कोई भी कांग्रेस नेता वोट मांगने आए तो पूछ लीजिएगा उससे। देश जी, यही दूसरे खुलासे की मैं भी बात कर रहा था कि देश बी डी शर्मा, राम निवास रावत जो 7-7 बार के जनप्रतिनिधि, उनको ये कह रहे हैं कि हाँ इससे पहले बीजेपी की सरकार से पहले विकास नहीं हुआ, तो ये वोट गए हैं कि उल्टा प्रचार करने गए हैं राम निवास रावत का। मुझे बड़ी हंसी आती है इनके मानसिक दिवालियापन पर कि ये उस कैंडिडेट को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि तुम भले ही 7 बार के प्रतिनिधि रहे हो लेकिन मंत्री लेने के बाद तुम क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी मानसिक दिवालियापन को नहीं दर्शाता तो क्या दर्शाता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इनके भाषण को सुन के। खैर, आपको मैं बता दूं, विजयपुर की परिस्थितियां अलग है और मैं तो इस बात पर भी हामी भरता हूं कि बुधनी में भी बहुत कुछ परिदृश्य बदला नजर आ रहा है। ब्रजेश जी, आज आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो अपने एक की बात करती थी, जो अनुशासन की बात करती थी, उसका अनुशासन धक्के खाता हुआ दिखा। आपने देखा किस तरीके से राजेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए या दूसरे प्रत्याशियों की बात की जाए, जो भारतीय जनता पार्टी से बुधनी में इच्छुक थे, आज राजेंद्र सिंह राजपूत गुरु प्रसाद शर्मा जैसे लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को सीधी चुनौती दे रखी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। अब विजयपुर की बात की जाए, विजयपुर की जनता को आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के समर्थन में लगातार दशकों से चली आ रही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बदल करा के उम्मीदवार दिया। मैं आपसे फिर कहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कभी गठबंधनों पर विश्वास करने वाली जनता नहीं रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ब्रजेश जी दमोह जीता, अटेर जीता, कोलारस जीता, मुंगावली जीता, ऐसे अनेक चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी को पराजित होना पड़ा है। और ये चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है वो इन चुनावों में बता देगा कि क्या इस, क्योंकि मैं आपसे फिर कहूंगा दल बदल करने वाले प्रत्याशी को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती। ठीक है, तो दल बदल वालों को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती है। अजय जी वो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकारें थी तो दमोह भी हमने जीता, अटेर भी हमने जीता, मुंगावली भी हमने जीता, तो विजयपुर और बुधनी में भी जीतेंगे। और बुधनी में तो वो कह रहे हैं, विवेक तनखा को आपने सुना होगा कि भारी प्रत्याशी है रमाकांत भार्गव, आपके स्थानीय व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया, वहाँ पे आपने घमासान चल रहा है, और विजयपुर में आपके अध्यक्ष ने ही आईना दिखा दिया 7 बार तक जो चुने गए हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता बार बार अपने जनादेश के माध्यम से यह स्पष्ट कर चुकी है कि मध्य प्रदेश के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, और निश्चित रूप से इस जनादेश से यह भी स्पष्ट होता है कि विकास करने वाली पार्टी को ही देश की जनता, प्रदेश की जनता बार बार चुनती है। जैसा कि मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जितिन जी ने जो उदाहरण दिए कि हमने अटेर जीता, हमने दमोह जीता, लेकिन आप 2020 के विधानसभा के उपचुनाव का इतिहास उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ में उसमें की 19 सीटें जीतती है। तो उपचुनाव की अपनी अपनी तासीर होती है। हम बुधनी की बात करें तो बुधनी वैसे ही ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लगभग हम लोग 70% वोट में पिछले 3 चुनाव का अगर आकलन कर ले तो 70% के आसपास भारतीय जनता पार्टी हर बार वहां मत प्रतिशत प्राप्त करती है, कांग्रेस मात्र 25-30 के बीच में रहती है। तो कांग्रेस का वहां संगठन है ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यदि विजयपुर की हम कर ले तो विजयपुर में आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो स्टेटमेंट है वो निश्चित रूप से इस बात के लिए भी वांछनीय है, जो बात रामनिवास रावत जी खुद कहते हैं कि मैं कांग्रेस में होने की वजह से मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार के प्रति समर्पित है, एक कांग्रेस जो है एक परिवार के प्रति समर्पित है, यही उन्होंने बार बार आइडेंटिफाई भी किया है रामनिवास रावत जी से जब ये प्रश्न पूछा कि आप भाजपा में क्यों आए,
तो निश्चित रूप से जो लोग दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं या दल बदल करके अन्य दलों में जाते हैं कांग्रेस से, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, कांग्रेस में नेतृत्व करने की क्षमता और योग्यता को हमेशा से दरकिनार करके आप कौन से लोग जो परिवार के दरबारी हैं उन लोगों को महत्व दिया जाता है। आज यही विषय विजयपुर की जनता भी देखेगी कि उनके जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, आज वो प्रदेश के वन मंत्री हैं। निश्चित रूप से वहां जो समग्र विकास की आवश्यकता वो भारतीय जनता पार्टी ने की और अब यहां से आगे भी भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में विकास करेगी। बुधनी का तो इतिहास, क्योंकि माननीय हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का वो क्षेत्र रहा है और वहां की जनता का असीम स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहे हैं, इस बार भी बुधनी अपने आप में इतिहास रखे जा रहा है। जो आप कुछ जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी का विषय बता रहे, तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विस्तृत परिवार है, हमारे परिवार में सभी को अपना विषय रखने का अवसर दिया जाता है। निश्चित रूप से जो लोग आज संगठन के सामने वहां पे विषय रख रहे हैं उनकी बातों पे संगठन चर्चा कर रहा है, चर्चा के उपरांत क्योंकि आज हम ये मानते हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, संबल जिसको मिलता है उसके साथ में संगठन ने खड़े रहना, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है और उसी परिपाटी से बुधनी का चुनाव, उसी परिपाटी से हम विजयनगर का चुनाव, दोनों उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है सूर्यकांत जी, बुधनी बीजेपी का गढ़ रहा है एक तरह से और विजयपुर कांग्रेस का, इस बार आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है आपको? और जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, एक दल ने बुधनी में किया, दूसरे ने विजयपुर में किया, क्या ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से जब चुनाव होता है और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, तो कम से कम उपचुनाव के पहले भी अगर आप देखें, आम चुनाव हुए हैं तब तब तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो अपने दल के प्रत्याशी होते हैं वो एक साथ उसे फार्म भरवाने जाते हैं, नामांकन जमा करवाने जाते हैं और इसके माध्यम से विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक संदेश देने का काम करते हैं कि उनके समर्थन में कितनी भीड़ जुटी है और वो भीड़ के माध्यम से एक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं मतदाताओं के ऊपर कि मतदाता उनकी तरफ ज्यादा झुके। और वैसे अगर अगर बात करें तो जहां भी सरकार जिस दल की जिस प्रदेश में होती है उस दल के प्रति मतदाताओं का रुझान ज्यादा होता है और तमाम मध्य प्रदेश में जो भी लगातार उपचुनाव हुए हैं, चाहे पिछले पंचवर्षीय के कार्यकाल में देख लें, उसके पहले के कार्यकाल में देख लें, तो सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जितेंद्र जी उदाहरण दे रहे थे ना, दमोह उदाहरण है, अटेर उदाहरण है, कोलारा से मुंगावली है। हाँ। नहीं, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ, लेकिन उपचुनाव में कुछ अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप देखें अधिकांश चुनाव किस दल ने जीते हैं जिसकी प्रदेश में सत्ता रही है, क्योंकि मतदाता जानता है, समझता है कि अगर प्रदेश में जिस दल की सरकार है उस दल का प्रत्याशी अगर चुनाव जीत कर जाएगा तो निश्चित रूप से विकास कार्यों में आसानी होगी और जनता की समस्याओं के निदान में उनके प्रत्याशी की सहभागिता होगी। यह बात भी सत्य है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहां विपक्षी दल को जीत मिली, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और कई ऐसी सीटें हैं जहां जीती भी है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन इन्हें हम अपवाद मान सकते हैं। अगर अपवाद स्वरूप ना माने तो क्या वजह है कि जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश में पिछले कार्यकाल के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी अपवाद मानते हैं या जिस तरह से दमोह में सबक सिखाया वैसा भी तो हो सकता है विजयपुर में? नहीं, निश्चित रूप से सबक सिखा, अपवाद शब्द मैंने इसलिए कहा है कि जनता के मन में अगर संबंधित प्रत्याशी को लेकर आक्रोश है तो निश्चित रूप से वो सबक सिखाती है और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन सीटों को मानकर चले के भारतीय जनता पार्टी के वहां कांग्रेस प्रत्याशी भी जीता जा सकता है। और अभी चूंकि चुनाव का शुरुआती दौर है, नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, तो अभी यह कहना ज्यादा असंभव है कि कौन किस दल का प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन यह तय है कि बुधनी की अगर बात की जाए तो बुधनी शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है, उनकी कर्मभूमि वाला क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, क्योंकि शिवराज जी के पहले अगर देखें तो राजेंद्र सिंह राजपूत वहां से विधायक निर्वाचित हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन जिस तरह से राजेंद्र सिंह राजपूत मैं सार्वजनिक रूप से इस बार टिकट की दावेदारी की और टिकट ना मिलने पर विरोध जाहिर किया है, उसका मुझे लगता है कि अगर उन्हें नहीं, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, 1.5 लाख का गड्ढा राजेंद्र सिंह राजपूत की वजह से भर जाएगा? देखिए मतदाता कब कहां किसकी तरफ चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने सोचा था कि दमोह में
जयंत मलैया जैसा व्यक्ति हार सकता है। दमोह तो बहुत कम मार्जिन था ना, दमोह बहुत कम मार्जिन था, 100, 500, 1000, 1500 से जीतते थे वो, और यहाँ 1.5 लाख का है सूर्यकांत जी, जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप यह भी तो सोचे प्रत्याशी कौन था पिछले चुनाव में, उसके पहले चुनाव में कौन था, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था, वो जनता जानती है कि जो कैंडिडेट है वो अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर तो होता है। ये तो प्रदेश जी आपको मानना पड़ेगा, कैंडिडेट पे भी हार जीत का जो मार्जिन होता है उसका प्रभाव और उसका अंतर उससे भी प्रभावित होता है। अगर नहीं होता होता तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए पुराना इतिहास उठाकर, कई जगह ऐसी हैं जहां पर दिग्गज नेता भी हारे हैं। तो फिर यही अंतर होगा, तो फिर विजयपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी होना चाहिए, यदि उम्मीदवार ये जो 7 बार लगा जीतते रहे हैं तो उनका भी तो कुछ वर्चस्व होगा, कुछ वजूद होगा वहां पर। देखिए हर चुनाव के समीकरण बहुत अंतर प्रभाव डालते हैं, इस समय बाबूलाल मेवराव भरी खुलकर कुछ ना बोले लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में टिकट ना मिलने का मलाल है और वो सार्वजनिक रूप से भली। तो अजय जी दोनों जगह आप अपने ही लोगों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जो सूर्यकांत जी की बात से स्पष्ट होता है कि वहाँ बाबूलाल मेवरा से आप उलझे हुए हैं, यहाँ पे राजेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए संकट बने हुए हैं, क्या इस संकट से पार पा पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को समय समय पर अवसर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को ये पता है कि हमारी योग्यता क्षमता अनुरूप संगठन हमें दायित्व देते रहता है, तो निश्चित रूप से इच्छाएं आकांक्षाएं सभी की होती है, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का एक भाव भी होता है कि अब संगठन हमें अवसर दे, लेकिन निश्चित रूप से जो संगठन ने निर्णय ले लिया है, पार्टी का निर्णय है कि आज ये प्रत्याशी हैं, इनको ये सिंबल दिया गया है, उसके साथ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता फ्रंट लाइन से खड़े होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एक विचारों की लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई में किसी एक को अवसर मिलता है बाकी सब उसके साथ में खड़े रहने का काम संगठन सभी को सौंपता है, क्योंकि कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में डिफ्रेंसिएशन के लिए एक बहुत थीन लाइन है, उसमें ये लाइन इसलिए फीड बैठती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जब आप उसको अवसर नहीं देते तो वो उसमें नेतृत्व को ललकारने की शक्ति होती है, लेकिन हमारे यहाँ हमको पता है कि हमारी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया हुआ ही दल है, नेतृत्व करने वाले भी कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से एक अपने आप का भाव होता है कि ठीक है अपने में से ही कोई आज वहां विधानसभा में पहुंचेगा, और यही भारतीय जनता पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों से अलग बनाने वाला भी विषय है। बुधनिका, जैसा कि सूर्यकांत जी ने कहा कि बुधनिका अपने आप में इतिहास रहा है कि वो हमेशा राष्ट्रवादी विचारों के साथ में खड़ा रहने वाला क्षेत्र है, हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी की कर्मभूमि, और निश्चित रूप से उस क्षेत्र ने एक ऐसा जनप्रिय नेता मध्य प्रदेश को दिया है, एक ऐसा जनप्रिय नेता भारत को दिया है कि अपने आप में उस क्षेत्र का अपना नाम है। यही बात विजयपुर की, तो विजयपुर भी जो विकास का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां की जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रैली हुई है, उस रैली में भी और जो रोड शो हुआ है उस रोड शो के माध्यम से वहां की जनता का जो स्नेह असीम स्नेह हमारे प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी को मिल रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि वहां दोनों क्षेत्रों की जनता ने एक अपना मन बना लिया है। हमारा बुद्धि क्षेत्र में भी नामांकन है और ऐतिहासिक नामांकन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वहां की जनता के सामने भी आशीर्वाद देने के लिए जा रही है। ये चुनाव बस हमें लगता है कि औपचारिकता मात्र है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एनडीए अलायंस था उन्होंने अपने कैंडिडेट जो कहता था कि हम यूनिटी के लिए, हम एक विचारों के लिए और संविधान बचाने के लिए जो लोग एकत्र हुए थे, उन्होंने आज कांग्रेस की स्थिति क्या कर दी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे उन्हीं को आज बुधनी में टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने, तो ये अपने आप में स्वार्थ की राजनीति कांग्रेस और इंडिया अलायंस कर रहा है, ये स्पष्ट है वहां की जनता के समक्ष। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और बुधनी और विजयपुर की जो जनता है वो समग्र रूप से विकास को चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो विकास को चाहती है दोनों क्षेत्र की जनता। जितेंद्र जी वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो संगठन, हर कार्यकर्ता संगठन के लिए बात मानता है, उनकी सुनता है, लेकिन आपके यहाँ यदि मन की नहीं होती नेता की कार्यकर्ता की तो नेतृत्व को ललकारता है, ऐसा बीजेपी में नहीं है, इसलिए नाराजगी है वो साध ली जाएगी, और आपके तो एनडीए गठबंधन में ही फूट पड़ गई है, बुधनी में उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया आपके यहाँ से, और वहाँ भी विजयपुर की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ भी छोटे लाल जी कह रहे हैं 30 साल से वो घास नहीं काट रहे हैं, यदि उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी मैदान में उतर जाएंगे। जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अजय धबले जी बहुत ही सौम्य टाइप के प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तरमिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जब अटल जी हुआ करते थे, सरकारें इस तरीके से बनाने को वो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते थे, आज किस तरीके सरकार बनाते, किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी,
कार्यकर्ताओं तक दल था और कार्यकर्ता नेतृत्व करता है, इसलिए अनुशासन रहता है। पूरा अनुशासन धूल खा रहा है। एक से एक हाईकमान राजेंद्र सिंह राजपूत और गुरु प्रसाद शर्मा का विरोध झेल रहा है बुधनी के अंदर। ऐसी कौन सी पार्टी, ऐसा कैसा अनुशासन है? अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम निवास रावत के कार्यकाल का मजाक बना दिया और उसी के लिए वोट मांग रहे हो आप, कौन से सिद्धांतों की बात करते हो आप? आपने अपने सरकार बचाने के लिए हर बार दल बदल करा के प्रत्याशी जिताने का काम किया। राम निवास रावत के आने ना जाने सरकार को थोड़ी फर्क पड़ रहा था। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुरैना में भारतीय जनता पार्टी के को कैंडिडेट को जिताना था, इसलिए उन्होंने मुरैना में राम निवास रावत, और राम निवास रावत जो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़ा रहा हूँ। देखिए, राम निवास रावत भी स्वार्थ की वजह से गए थे। हम लीडर अपोजिशन नहीं बना सकते थे, हमने सात सात बार उनको चुनाव जिताने में मदद करी, लेकिन हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी और उसका परिणाम ब्रजेश जी आने वाले चुनाव में आपकी समझ में आ जाएगा। इन्होंने कई बार प्रयोग करके देख लिया, एक चुनाव की बात नहीं, सूर्यकांत जी बता रहे थे कि ज्यादातर चुनाव भारतीय जनता पार्टी या कोई सरकार जीतती है। मध्य प्रदेश में ज्यादातर चुनाव, एक उपचुनाव को छोड़ दीजिए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मैंने अटेर की बात की, मैंने दमोह की मोंगारस की कोलारस की मुंगावली की, मैंने चित्रकूट छोड़ दिया, उस चित्रकूट में भी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह जो आज विजयपुर में लगा रही ताकत, इसी तरह ताकत लगाई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। और रहा सवाल हवा का, चुनाव हवा से चलता है। जिस तरीके से किसान को 2700 रुपए गेहूं और 3100 रुपए धान का धोखा दे दिया आपने, वो क्या किसान समझ नहीं रहा? ब्रजेश जी, एक वाकया याद दिलाता हूँ, कमलनाथ जी के खिलाफ सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने गए थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप छिंदवाड़ा लड़ने आए हैं, 11 बजे अपने होटल से प्रचार के लिए निकलते हैं और 5:30 बजे लौट के आ जाते हैं। तब सुंदरलाल पटवा जी ने ये कहा था, चुनाव हवा का होता है, छिंदवाड़ा में हवा सेट हो चुकी है और परिणाम आपके सामने आ गया था। आज फिर वही मैं कह रहा हूं, चुनाव हवा का होता है। जिस तरीके से किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, उससे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाला है इन दोनों चुनाव। चलिए, छोटा सा जवाब ले लेता हूँ अजय जी से। हवा का रुख स्पष्ट हो चुका है, हवा उनकी तरफ बह रही है। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस तो की स्थिति वो हो गई है कि वो बिना परिश्रम करे दोनों जगह जीत जा रही है। देखिए, संगठन को काम करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। यही हमने देखा था कि जो अमरवाड़ा की सीट थी, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करती थी, वहां के प्रत्याशी कमलेश शाह हमारे साथ में आए थे और तुरंत प्रांत से हमने एक ऐसे तरीके से चुनाव लड़ा कि हम लोग वहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से विजय प्राप्त कर पाई। पहले भी हम लोगों का ये इतिहास रहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के काम और अपने संगठन के काम, ये दोनों जनता के समक्ष रखती है, जनता को निर्वाचन करने की वो छूट होती है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने, ये 2023 के विधानसभा चुनाव हो, 2024 के लोकसभा चुनाव हो, किस दल को उन्होंने विश्वास दिया है, ये स्पष्ट है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो ढूंढती है कि अवसर मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज है, कुछ नेता नाराज है, उससे कांग्रेस को अगर बूम मिल रहा है, कांग्रेस को बूस्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस इस चलिए तो अब बाद में पता चलेगा किसको बूस्ट मिल रहा है, किसके परिश्रम में की बदौलत जनता उसको चुनती। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर परिश्रम दोनों ही दल कर रहे हैं, कांग्रेस भी जोर लगा रही है, बीजेपी भी जोर लगा रही है, लेकिन कौन पूरी ताकत से लगा हुआ और किसके परिश्रम का फल उसे मिलेगा, ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि कोई भी खाली मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। जोर कमजोर कोई नहीं पड़ना चाहता, जोर सभी लगा रहे हैं। यदि बुधनी में हम शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं तो विजयपुर में भी देख रहे हैं। वहाँ तो विधानसभा अध्यक्ष तक राजनीतिक मंच पर मौजूद थे और कहा जा रहा है कि विजयपुर में अब कल दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। अब देखना ये कौन सी सीट किसके खाते में जाती, किसके झोली में जाती है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत तो रात देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।